हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 की। एंड यहाँ पे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ है, जो जिसको जिसको हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के यूज़ में लेते हैं, प्रोवाइडेड कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ह्यूमन बींग है वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज है ये फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, और जो ह्यूमन बींग्स है यहाँ पे वो अपने आप में एक रिसोर्सेज एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। एंड दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। जो ह्यूमन बींग्स है वो एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में एंड उसको यूज करते हैं। फिर these resources can be classified in the following ways। तो on the basis of origin resources दो तरीके के होते हैं, biotic and abiotic। and on the basis of adjustability resources दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे भी, renewal and non-renewal resources। and on the basis of ownership resources कौन कौन से होते हैं? individual, community, national and international। एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। एंड यहाँ पे हम इस चार्ट की हेल्प से भी देख सकते हैं जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है उनको। तो रिसोर्सेज मेनली दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से होते हैं? रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। अब रिन्यूअल रिसोर्सेज को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि विंड एंड वाटर, और सेकेंड है बायोलॉजिकल। एंड बायोलॉजिकल को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, एक है नेचुरल वेजिटेशन जिसमें फॉरेस्ट आते हैं, एंड सेकेंड है वाइल्ड लाइफ। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं रिसाइक्लेबल, जैसे कि मेटल्स, एंड सेकंड है नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। एंड सेकंड टाइप था जो है ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें मेनली दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। Life such as a human being, flora and fauna, for example fisheries and livestock etc. Abiotic resources क्या होते हैं? All those things which are composed of non-living things are called abiotic, and for example rocks and minerals, sorry rocks and metals. Rock on the basis of adjustability resources are of two types, first renewal resources, second non-renewal resources. तो पहले हम renewal resources को देख लेते हैं। renewal resources are पहले हम रिन्यूअल रिसोर्सेज को देख लेते हैं। एंड दी रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस
बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये कुछ एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। एंड दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फाइव फर्दर डिवाइडेड इंटू कंटिन्यूस एंड फ्लो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देख लेते हैं। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल्स रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एडजस्टेड बाई देयर यूज। अब देखते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ऑन बाई प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स एंड मैनी फार्मर्स ऑन लैंड इज अलॉटेड बाई देम बाई गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन विलेज। देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस अर्बन पीपल ऑन प्लॉट हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन पाश्चर एंड पाश्चर लैंड्स एंड पॉन्ड्स वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाई इंडिविजुअल। मेक ए और यहाँ पे आप भी एक लिस्ट बना सकते हो जो ऑनरशिप बेस्ड रिसोर्स है उनकी। सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल बाई ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ब्लेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्लेज में जो है कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड एंड ब्लेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन कॉमन रिसोर्सेज है जिनको सभी लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पब्लिक पार्क्स एंड पिकनिक स्पॉट्स, ये भी कुछ ऐसे मतलब वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है जिनको सब लोग यूज कर सकते हैं। एंड आर और फर्दर प्लेग्राउंड इन अर्बन एरियाज एंड डिफेक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स एंड यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ऑफ ऑन बाई सम इंडिविजुअल। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट्स एम्पावर्ड बाई द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड एंड ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनियो एंड आर अप टू 12 नॉटिकल माइल। ओशियनिक जो ओशियन होता है वहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स वो किस इंडिविजुअल कंट्री का होता है, नेशन का होता है एंड उसके बाद जो इंटरनेशनल ओशियन होता है फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरेस्ट्रियल वाटर एंड रिसोर्सेज देर बिलोंग टू द नेशन। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देर आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज इन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी एंड इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट the concurrence of international institutions.
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन इन ए रीजन बट नोट बीन यूटिलाइज फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनोमरस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नोट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली डेवलप्ड रिसोर्सेज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन तो जो रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे किया जा चुका है एंड उनकी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी डिटरमाइंड की जा चुकी है फॉर यूटिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी लास्ट थर्ड स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमोंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो पानी है वो दो गैसों का कंपाउंड है एक तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ना हाइड्रोजन कैन बी यूज एज रिसोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक रिजर्व्स एंड रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल हाउ नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड एंड These can be used for the meeting of the future requirement. River water can be used for determining the generation of hydroelectric power, but presently it is being used utilized only to a limited extent. Thus, the water in dams, forest, etc., is a reserve which can be used in future. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट वाज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इंडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स जो रिसोर्सेज का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल जैसे जो रिसोर्सेज का डिप्लीट होना कम पड़ जाना एंड अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू एंड्स और जो रिसोर्सेज है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं जैसे बहुत कम लोगों के पास एंड which in turns divide the society into the two segments that is the have not rich and poor indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming ozone layer depletion environmental pollution and degradation An equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global peace. तो यहाँ पर जो resources का equal distribution है वो बहुत essential है बहुत ज़रूरी है to sustain quality of life and global peace के लिए And if the present trend of resources depletion by a few individuals and countries Continue the future of our planet in danger, is in danger.
Therefore, the resources planning is essential for the sustainable existence of all the form of life, and the sustainable existence is a component of the sustainable development. Sustainable development क्या होता है? Sustainable development, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. जो development है वो होना चाहिए without damaging the environment, and development in the present should not be compromised with the needs for the future generations. तो जो अभी का जो development है वो future generation की जो needs है उनको उनके साथ compromise नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम sustainable development. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992. इन जून 1992 मोर देन हंड्रेड्स हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब हेड्स मतलब हंड्रेड्स लीडर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मेट इन राओ डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर ए फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. एंड द समिट वाज कन्वेंस्ड for the addressing urgent problems of the environmental protection and social economic development at the global level, and the assembled leaders signed the declaration on the global climatic change and biological diversity. The Rio convention endorsed the global forest principle and adopted Agenda 21 for achieving the sustainable development in the 21st century. Agenda 21 क्या है? It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED), which took place at Rio de Janeiro, Brazil. And it aims to achieving global sustainable development. It is an agenda to combat the environment damage, poverty, disease through the global cooperation on the common interest, mutual needs and shared responsibilities. On major objectives of the agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda 21. अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज प्लानिंग की. प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज. इट हैज मेजर इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द availability of resources. There are regions which are rich in certain type of the resources but are deficient in some other types of resources. यहाँ पे इंडिया में कोई जगह पे तो मतलब किसी टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरी जगह पे वही रिसोर्सेज बहुत कम है. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of the resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. जो कुछ regions हैं वहाँ पर acute shortage है जो important resources हैं उनकी. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. जो ये state है जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिनरल्स एंड कॉइल डिपॉजिट में रिच है. एंड अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. एंड दी स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद दी सोलर एंड विंड एनर्जी बट दी लैक इन वाटर रिसोर्सेज. यहाँ पे जो राजस्थान में जो सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है मतलब, एंड लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो है राजस्थान में
बहुत कम है। एंड द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, बट इट इज़ डेफि यहाँ पे कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज है लद्दाख में, लेकिन इट इज़ डेफिशियंट इन द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सम वाइटल मिनरल्स। दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल्स। प्लानिंग रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन एंड मीजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। एंड वही पे सेकेंड है जो इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। एंड थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. The availability of the resources is necessary condition for the development of any region. जो resources की availability है वो necessary है किसी भी region की development के लिए, but more availability of the resources is absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included the economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resources base, but they are economically developed. कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच के छोड़ो द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स एंड इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over colonies. Therefore, the resources can contribute to development only when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional changes. And India has experienced all this in the different phase of colonization. जो इंडिया है इसने ये जो है सब जो एक्सपीरियंस किया है ये डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन में, एंड देयर फोर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, जैसे कि बट द इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. बट जो रिसोर्सेज हैं इनका ज़्यादा यूज़ करने से ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो है देखने को मिलती है रिसोर्सेज के ज़्यादा यूज़ से. सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट. और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर रिसोर्स कंजर्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है एट वेरियस लेवल. And this had
between the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in this world. There are enough for everybody's need, but not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individuals, exploitative nature of modern technology as the root cause for the resources depletion at the global level, and he was against the mass production and wanted to replace it with the production by the masses. At the international level, the Club of Rome advocated resources conservation for the first time. Subsequently, in 1947, Gandhian philosophy was once again presented by Scheidemeister in the book Small and Beautiful, and this seminal contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987, and this report introduced the concept of sustainable development and the advocated it as the means resources conservation, which was subsequently published in the book entitled Our Common Future. Another significant and contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil, 1992. अब देखते हैं हम लैंड रिसोर्सेज को. वी लिव ऑन लैंड, हम जो है ज़मीन पे रहते हैं. वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, एंड हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उनको भी हम लैंड पे परफॉर्म करते हैं. वी यूज़ इट फॉर डिफरेंट वेज. दिस लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑफ अपमोस्ट इम्पोर्टेंस. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, economic activities, transport, communication systems. However, land is an asset for finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. इसलिए जो भी land हमारे पास है इसको बहुत careful planning के साथ हमें ये use में लेनी चाहिए. India has land under a variety of relief features, namely mountain, plateaus, plains, and Iceland. About 43% of the land area is plain, which facilitates for the agriculture and industry. Mountains account the 30% of the land of the total surface area of the country. The mountain work टोटल कंट्री के एरिया में से 30% एरिया जो है पोजेस करते हैं. एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड्स फैसिलिटेट द टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन, और जो 27% एरिया है कंट्री का वो है प्लेटू रीजन. इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. तो यहाँ पे इस पाई चार्ट में की हेल्प से भी देख सकते हैं कि जो 43% एरिया वो है प्लेन का, एंड माउंटेन 30% एरिया में, एंड जो है प्लेट्यूज है वो 27% एरिया में है. लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज. फर्स्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए भी लैंड को यूज मिल जाता है. एंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज
एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। थर्ड हम देख सकते हैं कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड, द परमानेंट पास्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। फैलो लैंड करंट फैलो एंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। नेट शोन एरिया क्या होता है कि एरिया शोन फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एंड जो नेट शोन एरिया उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द लैंड यूज द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई द बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफिक क्लाइमेट। जो लैंड के यूज़ को है फिजिकल फैक्टर के द्वारा भी डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि टोपोग्राफी क्लाइमेट सॉइल टाइप एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 90% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, एंड आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। जो पास्चर के लिए जो लैंड थी वो भी डिक्रीज हो गई है। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज केटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड वाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो सो मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड आर आइदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सो सच एज लैंड इज वेरी हाई। हैंस देयर दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ द NSA इन इंडिया कम्स टू द 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। फॉरेस्ट आर द कंट्री इज दैट फॉर द देन डिजायर्ड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइन इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। द लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, एंड ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज वेस्ट एंड इंक्लूड रॉकी एल्ड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट रोड्स रेलवेज
इंडस्ट्रीज कॉन्टीन्यूस एक्सेट्रा कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ द लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मीजर्स टू कंजर्व द लैंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन एंड दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। अब देखते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर्स को। वी हैव शेयर्ड आर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। 95% ऑफ द बेसिक नीड्स फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। जो 95% हमारी नीड्स है जैसे कि फूड शेल्टर एंड और क्लोथिंग की, वो हमको हमें लैंड से ऑब्टेन करते हो। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। Approximately 28% of it belong to the category of forest degraded area and 56% of it is water eroded area and the rest is affected by the saline and alkaline deposit and some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying and have contributed significantly in the land degradation. Mining sites are abandoned after excavations work is complete, leaving the deep and scarce trace of wandering state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforestation due to the mining have caused severe land degradation in states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Overgrazing is one of the main reason for the land degradation. जो overgrazing है ये भी land degradation का reason है, क्योंकि जब जो ऊपर का जो घास है या पेड़ पौधे है जो जो जब एनिमल उनको कम्प्लीटली ग्रेज कर जाते हैं तो वहाँ पे जो लैंड है वो मतलब वहाँ पे लैंड स्लाइड होने लगती है या फिर जो इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का ओवर ग्रेजिंग भी एक मेन रीजन है यहाँ पे, मतलब जब जो घास है या फिर जो भी ट्रीज है उनको कम्प्लीटली जब एनिमल ग्रेज कर जाते हैं तो वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का मेजर रीजन बन जाता है। एंड इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग एंड लीडिंग टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलकाइट एंड सॉइल फॉस्टेन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफेयर एंड इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन टू द सॉइल आफ्टर सेटल डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट एज वेस्ट हैव बिकम द मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज।
there are many ways to solve the problem of land degradation, like afforestation and proper management of grazing. तो इसको लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं एंड जो ग्रेजिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली एंड प्लांटिंग की सेल्टर बेल्ट जो हमारे खेत होते हैं मतलब जो फार्म फील्ड होती है उसके अराउंड सेल्टर बेल्ट और प्लांट ये लगा सकते हैं. कंट्रोल ऑन दी ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं भाई. ग्रोइंग थ्रोनी एंड बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज. Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource and it is the medium of plant growth and support different types of living organism on the earth. तो सबसे नीचे होती है और उसको बोलते हैं parent bedrock. जो underneath होती है उसको हम parent bedrock बोलते हैं. उसके जो just above जो layer होती है उसको बोलते हैं वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल एंड उसके ऊपर होती है जो उसको बोलते हैं सब सॉइल वेदर्ड रॉक एंड सिल्ट क्ले एंड उसके ऊपर की जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं जिसपे The soil is living system and it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in the depth. Relief parent rock, bedrock and climates, vegetation and other form of the life and time are important factor in the formation of soil. Various forces of nature such as the change in the temperature, action and running water, wind and glaciers activities, decomposers etc. contribute to the formation of soils. Chemical and organic changes which take place in the soil equally important soil for consist the organic and humus and inorganic material. On the basis of the factor responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of the India can be classified into different types. तो यहाँ पे हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स. इंडिया जो है रिलीफ फीचर्स वेराइटी ऑफ वेरी इंडिया में जो है वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है. लैंडफॉर्म्स है, क्लाइमेटिक रीजन्स है एंड वेजिटेशन टाइप्स है. दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया. जो जैसे कि जो फर्स्ट है वो एल्यूवियल सॉइल. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल. इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ द एल्यूवियल सॉइल. जो एल्यूवियल सॉइल है मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है मतलब सबसे ज़्यादा है अमाउंट में हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है. इनफैक्ट जो इस एल्यूवियल सॉइल है ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन को ही कवर अप करती है एंड दीज हैव दी डिपॉजिटेड थ्री इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स दी इंडस दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र. इनके द्वारा जो एल्यूवियल सॉइल है वो डिपॉजिट की जाती है कंटिन्यूसली एंड दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन पर्टिकुलरली इन द डेल्टास
ऑफ द महानदी एंड गोदावरी द कावेरी एंड द कृष्णा रिवर्स. द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले. जो एल्यूवियल सॉइल है वो कंसिस्ट करती है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले की. एज वी मूव इनलैंड टुवार्ड्स द रिवर वैलीज सॉइल पार्टिकल्स अपेयर व्हाट बिगर इन साइज एंड इन अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज द नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स सच एज सच सॉइल आर मोर कॉमन इन द प्रेडोमिनेंट प्लेन सच एज द डूरास एंड चाउस त्राई. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ their grains of component, the soil also described on the basis of their age. According to the age, alluvial soil can be classified into old alluvial, जिसको हम भांगर बोलते हैं, and new alluvial, जिसको हम खादर बोलते हैं. The vagar soil has higher concentration of kankar nodules and than the khadar. It has more fine particles and it is more fertile than the bangar. Alluvial soil is a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphorus, acid and lime, which are ideal for growth. Sugarcane, paddy, wheat and other cereal pulse crop, and due to the its high fertility regions of the alluvial soil is intensively cultivated and densely populated soil. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after the proper treatment and irrigation. अब पढ़ते हैं ब्लैक ब्लैक सॉइल के बारे में. दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगोर सॉइल्स. ब्लैक सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. इट इज बिलीव्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over the northwest Deccan plateau and is made of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra and Saurashtra. मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज. द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्ले मटेरियल. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इन एडिशन टू दे आर रिच इन द सॉइल nutrients and such as calcium carbonate magnesium potash and lime. These are the soil generally poor in phosphorus content and they developed deep cracks during the hot weather which helps in the proper aeration of the soil. And these soils are sticky when wet, difficult to work unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. Red and yellow soil. Red and yellow soil crystalline igneous rock
ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ द लोल्ड रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू. येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग द पाइडोमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. एंड दीज सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड लुक्स येलो वैन इट लुक्स येलो वैन इट कलर इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म. अब देखिए लैटेराइट सॉइल. लैटेराइट सॉइल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक. And the laterite soil developed in the areas with the high temperature. Laterite soil है high temperature area में पाई जाती है and heavy rainfall जो area होता है वहाँ पर पाई जाती है. And this is the result of intense leaching due to the heavy rain. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to the high temperature. Laterite soil are suitable for the cultivation which with the adequate doses of manure and fertilizer. These soils are mainly found in the Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम. आफ्टर द अडोप्टिंग द अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ द कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी. रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशो नट. एरिड सॉइल को देख लेते हैं. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर. जो एरिड सॉइल का कलर होता है वो रेड टू ब्राउन होता है एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्स्चर. जो एरिड सॉइल है सैंडी होती है टेक्स्चर में. अगर हम देखें तो सेलाइन इन द नेचर एंड ये सेलाइन होती है. इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट वेरी हाई. कुछ एरियाज में जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. जैसे कि जो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाई इवेपोरेटिंग वाटर. जिसे जो सॉल्ट भी यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है बाई इवेपोरेटिंग द वाटर एंड ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर देन द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर. द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड द कांकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट एंड डाउनवर्ड द कांकर लेयर्स फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन. दिस सॉइल बिकम द कल्टिवेबल एज हैज बीन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. तो देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल को. फॉर दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. तो फॉरेस्ट सॉइल है ये कहाँ पर पाई जाती है? हिली एरियाज में पाई जाती है, माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है एंड जहाँ पे सफिशियंट रेन हो वहाँ पे जो सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पाई जाती है. एंड द सॉइल्स टेक्स्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड एंड दे आर लॉमी सिल्टी एंड वेली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज. दीज आर सॉइल एक्सपीरियंस डिग्रेडेशन एंड द एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट एंड द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बेली पर्टिकुलरली द रिवर टेरेसिस एंड एलिवियल फैंस आर फर्टाइल.
सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो दिस द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन द डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन go on simultaneously and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction, mining, etc. यहाँ पर जो soil erosion होता है and soil formation होता है ना, ये process simultaneously चलती रहती है, लेकिन ये disturb कब होती है, जब यहाँ पर human इस यहाँ पे आके बीच में आके ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, जिससे कि सॉइल जो है इरोजन ज़्यादा हो जाता है। वाइल द नेचुरल फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन एंड दीज रनिंग वाटर कट्स थ्रू द clay soil and makes up deep channels as gullies, the land become unfit for the cultivation and is known as the wet land. In the Chambal basin, such as the land are called ravines, and sometimes water flows as the seed over large areas down a slope, and in such cases the topsoil is washed away and this is known as seed erosion. Wind blows loose soil off flat of sloping and land known as the wind erosion. And soil erosion is also caused due to the defective methods of farming, ploughing in a wrong way, and that is up and down the slope form the channel for quick water flow leading to the soil erosion. Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing, and steps can be cut out to the slope making terraces and terraces. Cultivation restricts the erosion, and western and central Himalayas have been developed terraces for terrace farming. Large fields can be divided into strips and strips of grasses are left to the grow between the crops, and this breaks up the force of the wind. This method is known as the strip cropping. And planting lines of trees create shelter also works in similar way. Rows of such trees are called shelter welds, and these shelter welds have contributed significantly in the stabilization of sand dunes and in the stabilizing of the desert in the. इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।